गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम मैथ्स पढ़ेंगे और आज हम मैथ्स में लॉन्ग और शॉर्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों बच्चों इससे पहले हमने बिग और स्मॉल पढ़ा था। तो बच्चों बिग और स्मॉल साइज मेंशन करता है कि कितने साइज है, मोटा है, कैसा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये लेंथ मेंशन करता है कि कितनी लेंथ का है। लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। ठीक है, देखो लेंथ वाइज बता रखा है ना यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे देखो, लॉन्ग और शॉर्ट शो द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट शो करता है लेंथ को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, टिक राइट द लॉन्गर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उस पर हमें क्या करना है, राइट टिक करना है, और जो शॉर्ट ऑब्जेक्ट है उस पर हमें क्रॉस टिक करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने करके भी बता रखा है, लॉन्ग पे इन्होंने राइट टिक कर रखा है और शॉर्ट पे इन्होंने क्रॉस टिक कर रखा है। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों यहाँ पे देखो, टू टूथब्रश दे रखे हैं। एक तो क्या है लॉन्ग, सॉरी शॉर्ट है, और एक क्या है लॉन्ग। तो लॉन्ग पे हमें क्या करना था बच्चों, लॉन्ग पे हमें करना था राइट और शॉर्ट पे क्या करना था क्रॉस, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो बच्चों, टू स्टिक्स हैं, वन स्टिक क्या है लॉन्ग एंड सेकेंड स्टिक क्या है शॉर्ट। तो लॉन्ग पे हमें राइट टिक करना है और शॉर्ट पे हमें क्रॉस टिक करना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे टू सोफाज हैं। ठीक है, अब ये वाला सोफ़ा क्या है लॉन्ग, तो इस पर क्या करना है राइट टिक, और ये वाला सोफ़ा क्या है छोटा है यानी कि शॉर्ट, तो इस पर हमें क्रॉस टिक करना है, इस तरह से। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो, टिक राइट द अम्ब्रेला विद लॉन्गर हैंडल। ठीक है बच्चों, इसमें बोल रहे हैं जिस अम्ब्रेला का क्या नाम है, जिस अम्ब्रेला का हैंडल लॉन्ग है उस पर हमें क्या करना है राइट टिक। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, आपको देखना है कि कौन से अम्ब्रेला का हैंडल लॉन्ग है। ठीक है, उस पर आपको राइट टिक करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।